हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। चलो बिना देर किए हुए आज जेई मेन का 2021 जेई मेन जो 2021 में जो जेई मेन का 3D क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो बिना देर किए हुए देखना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर ए ग्रेटर देन 0 यानी कि जो ए वैल्यूज है यहाँ पर देखो, जो ए का वैल्यू जो अननोन है हमारे पास, अननोन दिखा है यहाँ पे अननोन है, यहाँ पर अननोन है, ओके। इसका जो वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स यानी कि दो पॉइंट्स उनको दे रखा है, मान लो ये वाला दो पॉइंट्स उनको दे रखा है, जैसे कि मान लो ना क्या जाता है मानने में है कि नहीं, ये वाला दो पॉइंट्स उनको क्या कर रखा है, ये वाला दो पॉइंट्स उनको दे रखा है, ए एंड बी दे रखा है। ए क्या दे रखा है तुम्हारे पास, ए क्या दे रखा है, कुछ भी मान लो, यहाँ पे ए हो गया -2a एंड 3 दे रखा है, एंड बी कितना दे रखा है, बी 0, 4 एंड 5 क्या दे रखा है, ए कितना दे रखा है, ए -2a, 3 एंड बी कितना दे रखा है, 0, 4 एंड 5। उसका जो फूट ऑफ परपेंडिकुलर, एक प्लेन है नीचे, एक नीचे प्लेन है, कोई प्लेन ऐसा होगा, प्लेन ऐसा ही होता है ना, जैसे तुम लोग को मनून है वैसे बना लेना, लेकिन हमारी नज़र में ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो फूट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसका फूट ऑफ परपेंडिकुलर समझ रहे हो, इसका जो परपेंडिकुलर का पैर है कहाँ पे है, प्लेन के अंदर है। प्लेन भी देखो, प्लेन में भी जो अननोन दे रखा है LX, MY एंड NZ वो क्या दे रखा है, अननोन दे रखा है, यानी कि L जो है वो हमको नहीं मालूम, M जो है वो हमको नहीं मालूम और N जो है वो हमको नहीं मालूम। इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें फाइंड करना पड़ेगा C एंड D यानी कि इसका परपेंडिकुलर कौन है, फुट ये है, इसका फुट परपेंडिकुलर कौन है, ये है यानी कि डी है, ठीक है। यहाँ पे ये ए का क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सी एंड बी का क्या है, डी है। तो हमको क्या बोल रखा है कि ये सी डी है, ये जो सी डी है, ये वाला सी डी, इसका हम लोग क्या बोल रखा है, इसको हमको फाइंड करने के लिए बोल रखा है। क्या फाइंड करने के लिए बोल रखा है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू, आ गया हमको फाइनली क्या फाइंड करना है, सी डी को हमको फाइंड करके बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास चैलेंज है कि हमको पहले ए फाइंड करना होगा, उसके बाद क्या फाइंड करना होगा, एल एम एन, यानी कि हमको चार अननोन पूरा दे रखा है। सबसे पहला फोकस करेंगे चार अननोन को फाइंड कर, फिर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं रहेगा अननोन, ठीक है। वो चार वेरिएबल अगर हमको मिल जा रहा है तो सी डी आराम से निकल जाएगा, बहुत तरीके से निकल सकता है सी डी। चलो देखते हैं फिर आगे, ठीक। यहाँ पे पहले देखो ये जो प्लेन का इक्वेशन गिवन है, जो भी गिवन दे रखा है यहाँ पर लिख दो, गिवन क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन कितना दे रखा है, LX + MY + NZ दैट इज इक्वल टू 0। प्लेन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है। अगर जैसे मान लो ये वाला पॉइंट अगर सी इस प्लेन के अंदर है, तो ये जो पॉइंट है सी कितना है, 0 है, -a है एंड -1 है। ये वाला जो पॉइंट है ये प्लेन वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ये वाला अगर इक्वेशन है, अगर इस पॉइंट इस प्लेन के अंदर कोई भी, मान लो ये वाला पूरा बॉडी एक प्लेन है, उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट हमने ए डाल दिया, तो वो क्या उसको सेटिस्फाई करेगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई भी लाइन रहता है उसके पास, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट रहता है, उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। जब तक सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक क्या होगा, उस लाइन पे वो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन अगर लगाते हैं यहाँ पर, तो ये वाला सी जो है इस वाले इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो सीधा पुट करो, सीधा पुट करो, ठीक है। तो फ्रॉम यहाँ पे लिख दो, सिंस पॉइंट सी लाइज इन द प्लेन, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट सी है वो कहाँ लाइज करता है, इन द प्लेन सोड है, तो सो इसलिए क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट क्या है, एल, एस के एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एल इंटू 0 + M, एम की जगह भी क्या लिख सकते हैं, ए वाई, वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई की जगह भी क्या लिख सकते हैं, कांगे सी, माइनस ए लिख सकते हैं, -a फिर +n, n हो गया, अनजेड की जगह क्या लिख सकते हैं, -1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी जो पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, वो कहाँ लाइज करता है, प्लेन में लाइज करता है, अगर प्लेन के अंदर लाइज करेगा तो उसको सर्टिफाई करेगा, सर्टिफाई करेगा तो उसको पुट करके सीधा 0 देगा। सर्टिफाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर पॉइंट है कोई प्लेन में, अगर उसको उसके अंदर पुट किया जाए कोई भी इक्वेशन में, तो वो वैल्यू क्या देने वाला है, जितना आउटपुट रहेगा ना यहाँ पे इक्वल टू में, वो बराबर हमको दे देगा। यहाँ पे 0 है तो इसको डालने पर क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पे 20 रहता तो क्या मिलता, अगर इसका इधर डाल दें तो क्या मिलता उधर,
हमको क्या मिल जाता, 20 LHS बराबर RHS हो जाता। इसे यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कर, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, एम आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एम आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एन आ गया, ओके दैट इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, एम बाई एम रेशियो ले लो, एम अपॉन एन, अगर एम अपॉन एन है ठीक है, ये उधर गया एम अपॉन एन, कितना आ जाएगा माइनस वन बाई ए। इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर कितना मान लिया वन, इसको मान लिया। अब अगला क्या है, यहाँ देखो इसका जो ये होगा, ये वाला मालूम है नॉर्मल है, ये किसका है, जैसे आर डॉट ये होता है ना एन कैप, दैट इज इक्वल टू डी, यहाँ पे डी जीरो है, ओके एन कैप क्या हो जाएगा एल एम एन, क्या है एन कैप है यानी कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, ओके और आर क्या हो जाता है एक्स वाई जेड, यानी कोई भी आर्बिट्री पॉइंट जो होता है वो होता है ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है वो इसके, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा, होगा नॉर्मल इसका प्लेन का होगा, ये जो नॉर्मल है ये वाला नॉर्मल क्या होगा पैरेलल होगा। तो पैरेलल कंडीशन मालूम है ना, अगर दो लाइन को पैरेलल अगर जाता है तो क्या होता है, उसका जो ए टू बाई ए वन बी टू बाई बी वन इज इक्वल टू सी टू बाई सी वन, यानी कि तीनों बराबर होता है आपस में, तो यानी कि दोनों क्या लाइन क्या कहलाता है पैरेलल कहलाता है ठीक है। इसी तरह इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों का अगर हम ये ले लेते हैं रेशियो ले लेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा ए वगैरह मतलब हेल्प मिलेगा फाइंड करने में ठीक। तो इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको, सिंस नॉर्मल ऑफ प्लेन एंड लाइन ए सी आर पैरेलल, क्या है आर पैरेलल या इस पैरेलल, ओके अगर पैरेलल है तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो अपॉन इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तीनों आपस में बराबर होगा। इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ ए माइनस जीरो क्या आएगा, ए आ जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या एक्स वाले का एल आ गया इज इक्वल टू, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है माइनस टू ए प्लस ए, कितना आ जाएगा माइनस ए डेट इज, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है एम है ओके, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है तीन माइनस वन, कितना आ जाएगा फोर, इसका कितना है एन आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब इसमें क्या करो, कोई दो दो करके सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमको एम बाई एन मालूम है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे इसको ये वाला को सॉल्व करके एम बाई एन का फॉर्मूला मतलब जो भी आउटपुट आएगा वहां से लेकर के हमको आसानी होगा, इसको मिटा दे रहे हैं अभी हम। ओके एम बाई एन है यहाँ पर क्या फोर बाई एन है, हम क्या करें ये वाला दोनों क्या कर रहे हैं हम लास्ट टू टर्म को क्या कर रहे हैं हम इसका ये वाला कर रहे हैं ठीक है सॉल्व कर रहे हैं माइनस ए बाई एम ओके दैट इज इक्वल टू फोर बाई एन, हमको मालूम है ए बाई एन, हमको क्या मालूम है एम बाई एन हमको मालूम है, तो इसको एम बाई एन में कन्वर्ट करते थे, एम बाई एन दैट इज इक्वल टू एम उधर चला जाएगा माइनस ए बाई फोर आ जाएगा माइनस ए बाई फोर। इसको क्या करो फ्रॉम इक्वेशन वन, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन वन से देखते हैं एम बाई एन को क्या लिख सकते हैं माइनस वन बाई ए लिख सकते हैं माइनस वन बाई ए डेट इज इक्वल टू माइनस ए बाई फोर, ये कहाँ से लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से लिखे हैं वन से लिखे हुए ठीक है ना, यहाँ पे इक्वेशन जो मान रखे थे ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा जो ए जो आएगा ए क्या आ जाएगा प्लस माइनस टू आ जाएगा, एक जो होगा प्लस माइनस टू, लेकिन सवाल में क्या दे रहेगा ए जो है हमेशा पॉजिटिव लेना है, ए क्या लेना हमेशा पॉजिटिव लेना है यानी कि नेगेटिव वैल्यू हमको नहीं चाहिए, सो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा सिर्फ प्लस टू आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा सिर्फ प्लस टू आ जाएगा, ए हमको मिल गया मिल गए। अब यहाँ से हम पुट करके निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ पे पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन से, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, अगर फ्रॉम इक्वेशन वन से अगर हम बात करते हैं तो एम बाई एन, एम बाई एन डेट इज इक्वल टू माइनस वन बाई माइनस है वन बाई ए, कितना निकला टू, यानी कि जो एन जो होगा वो कितना निकलेगा माइनस टू एम। ओके यहाँ से हो गया। अब यहाँ से देखते हैं ये वाला एम का वैल्यू, यहाँ से ए का वैल्यू मालूम है फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन टू से, फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से टू से क्या कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन टू से ए बाई एल, ओके ए बाई एल डेट इज इक्वल टू ए बाई एम होगा माइनस ए बाई एल, ए से ए कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा जो एम एल जो होगा एल वो किसके बराबर हो जाएगा माइनस एम के बराबर हो जाएगा। ओके अब क्या करते हैं, जहाँ देखो इक्वेशन है ना, इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन में देखो एम का वैल्यू वही रहने देते, एल का जो वैल्यू है वो एम के टर्म में डाल दे रहे हैं, क्योंकि फिर एम कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा इसका इक्वेशन हमको मिल जाएगा, फिर हमको फाइंड करने में क्या होगा इजी हो जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्लेन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ
प्लेन, अगर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करते हैं, क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलो इसको हम मिटा दें, ठीक है, इसको उतारना उतारो, चलो पास करके उतार लेना, ठीक। ठीक है यहाँ पे हमें क्या रह दे रखा है, एल एक्स जो है एम वाई और एम जेड, यानी क्या एल का जो है उसका वैल्यू किसके टर्म में हमको लिखना पड़ेगा, एम के टर्म में लिख दे रहे हैं, क्या कि हमारा एम कॉमन आ जाएगा, फिर एम को जीरो से डिवाइड करके मतलब कि एम को एम का जो टर्म रहेगा वो खाली हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एन का एल की जगह कितना हम लोग लिख सकते हैं, एल की जगह माइनस एम लिख सकते हैं, तब फ्रॉम इक्वेशन वन एल की जगह कितना लिख सकते हैं, माइनस एम इंटू एक्स, ओके, प्लस एम वाई को छोड़ दे देंगे क्योंकि हमको एम के टर्म में चाहिए, माइनस ये हम क्या लिख सकते हैं टू एम, एम की जगह क्या लिख सकते हैं टू एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड डेट इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, माइनस एम कॉमन ले, अगर माइनस एम कॉमन लेंगे तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस टू जेड डेट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड डेट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी प्लेन का इक्वेशन ये वाला हमारा आ गया है। चलो इतना मेहनत कर लिया हम लोग, फिर अब आगे क्या देखते हैं, ए का वैल्यू आ गया, अगर पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट ए का वैल्यू अगर हमारे पास टू है तो पॉइंट ए कितना आ जाएगा, ए टू आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा और क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा आएगा। अगर पॉइंट सी, सी की अगर बात करते हैं क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका काम अब हो गया, अब क्या करना है कि देखो, अब जो है जैसे कि मान लो जो फिगर था, फिगर यहाँ पे देखो, फिगर क्या था, फिगर ऐसा था, ऐसा था, ये प्लेन है यहाँ पे, जैसे मान लो ये प्लेन था ना, ऐसे करके यहाँ पे प्लेन है। अब हमको क्या चाहिए, ये देखो ये वाला यहाँ पे बी है, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ये सी डी चाहिए, सी एंड बी चाहिए, सी डी चाहिए। अगर हम बी डी का लंबाई अगर निकाल लेते हैं, बी डी का लंबाई निकाल लेते हैं, ये वाला बी पॉइंट हमको मालूम है, बी पॉइंट कितना दे रखा है यहाँ पे देखो, बी पॉइंट कितना दे रखा है, सी पॉइंट हमको मालूम पड़ गया। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सी डी फाइंड कर सकते हैं सबसे इजी मेथड से, नहीं तो क्या करोगे, थोड़ा परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आता है वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से सॉल्व करने की बात करें, क्या करना है, यहाँ से बी डी की लंबाई निकालें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मालूम है, जो फॉर्मूला दिया रहता है प्लेन का उसके अंदर, वो जो परपेंडिकुलर जो पॉइंट रहता है उसको पुट करके उसके मॉडल से भाग दे देते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड के मॉडल से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मिल गया तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल गया, ये वाला डिस्टेंस हमको मिल जाएगा क्योंकि दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वी नो दैट हाउ इट फाइंड इट, ओके। तो यहाँ पे अगर ये वाला दूरी निकल जाएगा तो सी डी हम आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, चलो वही हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे कहीं पे एक फिगर इसको देखने, यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन है यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आ जाएगा डी, ये आ जाएगा सी, ठीक है ना, इसका वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पर लिख नहीं रहे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, बी डी बराबर, ओके, यानी कि बी डी बराबर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है, जैसे कि पहले इक्वेशन लिख दो, एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड डेट इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस जीरो तो है वो तो लिखेंगे नहीं, मॉडुलस ऑफ क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर इसका प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, इसका मॉडुलस इसका मॉड आ जाता है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आता है, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव नहीं आता है। अब जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि जो बी है, बी पॉइंट इसको सेटिफाई करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि फॉर्मूला होता है सिंपल, इसको यानी कि यहाँ पे ला करके पुट कर दो, जीरो माइनस फोर प्लस दस दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट सिक्स, इसका मॉड आ जाएगा फोर, टेन माइनस फोर कितना आएगा, सिक्स आएगा, सिक्स अपन कितना आ जाएगा यहाँ पर, रूट सिक्स आ जाएगा, यानी कि बी डी जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, रूट सिक्स आ गया, यहाँ से बी डी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे देखो ये वाला बी सी अगर निकल जाएगा तो बी सी में से क्या करेंगे, बी डी को घटा देंगे तो हमको बी डी डी सी मिल जाएगा, यानी कि सी डी मिल जाएगा। फिर वहां पर हम लोग चलो चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दे। देखो हमको अगर बी सी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन बी डी यही निकालना है,
डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच हमको चाहिए, बी एंड सी के बीच में चाहिए डिस्टेंस बिटवीन। अगर बी सी की हम बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी सी की अगर बात करते हैं, बी हमारे पास 0, 4, 5 है एंड सी कितना है 0, -2 एंड -1। अगर इसकी बात करते हैं तो अंडर रूट आता है, अंडर रूट अगर हम बात करते हैं अंडर रूट क्या आएगा, 0 - 0 क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 - 2 कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 - 1 तो माइनस माइनस प्लस यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 6√2। ओके अब नाउ 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 राइट RIGHT राइट एंगल ट्राइंगल। ओके ट्राइंगल कौन सा है, BDC में BDC ठीक है, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल BDC। ओके क्या हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, अगर हम यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या थ्योरम, थ्योरम से क्या लगा सकते हैं, अगर CD² अगर निकालना है हमको, CD² निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, BC² में से अगर हम BD² को माइनस कर देंगे तो CD² में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, BC² में से अगर माइनस कर देते हैं CD² यहाँ पे देखो BC² में से अगर BC² में से अगर हम BD² माइनस कर देते हैं हमको क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। तो BC² कितना निकला था हमारे पास BC, तो BC जितना है 6 है, 6√2 है, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस कितना है ये √6 है BD, तो उसका स्क्वायर कर देंगे निकल जाएगा यहाँ 6 = 36 × 2 - 6। ओके यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 - 6 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √66 यानी कि CD = क्या आ जाएगा, अगर रूट हटता है स्क्वायर हटेगा तो क्या रहेगा रूट रहेगा, यानी CD = कितना आ जाएगा हमारे पास √66 आंसर आ जाएगा। चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, लेट पी बी अ प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे LMN तीनों अनफाइंड है, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा, कंटेनिंग द लाइन 1 - x अभी 1 - x है लेकिन फॉर्मेट क्या होता है x माइनस समथिंग रहता है, ठीक है ना, फॉर्मेट क्या रहता है x माइनस समथिंग, यहाँ पे इसको सीधा करना पड़ेगा, ठीक है इतना दे रखा है, इफ प्लेन पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इतना और इतना को जो ज्वाइन करता है लाइन उसको क्या कर रखा है, ये पी जो है पी क्या है यहाँ पे प्लेन है, पी क्या है लेट पी बी अ प्लेन, प्लेन जो है कोई लाइन है यानी कि कोई लाइन है AB, कोई लाइन AB है यहाँ से AB है, ठीक है वो जो प्लेन है कोई ये वाला प्लेन उसको क्या करता है डिवाइड करता है, डिवाइड किस में करता है यहाँ पे मान लो K = 1 में करता है, किस में करता है K = 1 में करता है, देन वैल्यू ऑफ K = 2, ठीक है यहाँ पे भी 4 अननोन है हमारे पास, ठीक सबसे पहले क्या है हमारे पास 4 अननोन है, 4 अननोन कौन कौन सा है एल है एम है एंड एन है, दूसरा और चौथा क्या है के है, तो सबसे पहले तो LMN हम फाइंड करेंगे, ठीक LMN अगर फाइंड करते हैं जैसे कि मान लो गिवन जो भी दे रखा है गिवन दैट हमको जो दे रखा है यहाँ पे लिख देते हैं कि अच्छा से दिखेगा हमको, गिवन दैट क्या दे रखा है प्लेन पी, पी इज़ इक्वल टू कितना दे रखा है प्लेन पी, पी कितना दे रखा है LX प्लस MY प्लस NZ दैट इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट कितना दे रखा है ए दे रखा है, ओके ए कितना दे रखा है पॉइंट -3 - 6 एंड 1 एंड बी कितना दे रखा है 2, 4 एंड -3 ये दे रखा है। अब यहाँ पे मान लो कि ये जो ये बोल रहा है कंटेनिंग द लाइन कोई लाइन है यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है जिसका क्या इक्वेशन ये दे रखा है, ठीक है अगर वो कंटेन करता है ये अगर इसके अंदर ये कंटेन करता है तो ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों जो पॉइंट है ये इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा, प्लेन के अंदर सेटिस्फाई करेगा ना, जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी तुमको बताया गया था, ठीक है यानी कि जो सेटिस्फाई करेगा जैसे कि ये वाला इसके अंदर लाइज करता है तो जैसे वाला सेटिस्फाई करेगा, जब तक सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक इसके अंदर कैसे लाइज कर सकता है, जैसे हमारा तुम्हारे पास घर है कोई बाहर का आदमी आकर है पाएगा नहीं ना, हमारा तुम्हारा दोस्त है तुमको सेटिस्फाई कर रहा है इसे तुम अपने घर में रहने दे रहे हो वरना क्या करोगे लात मार करके भगा दोगे, इसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है इक्वेशन इसके अंदर अगर कंटेनिंग है इसके अंदर है तो वो इसके पॉइंट को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको पहले सिंपली अरेंज करो एक्स है तो यहाँ पे पहले 1 - x है तो x - 1 की फॉर्मेट पहले लेके आओ, तो यहाँ पे x - 1 को लाएंगे तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा तो -1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा बराबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा -4/2 आ जाएगा ओके यहाँ पे कितना आ जाएगा z --2
टू अपॉन कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ओके हमको मालूम है, यानी ये कॉन्टेन अगर लाइन वन, ठीक है लाइन वन कॉन्टेन ओके द प्लेन, ठीक है प्लेन जो है वो कॉन्टेन करता है कौन, लाइन वन कॉन्टेनिंग करता है ओके कॉन्टेनिंग ओके लाइन वन कॉन्टेनिंग करता है, तो उसका जो पॉइंट होगा उसको सिलीफाई करेगा, सिलीफाई करेगा कि नहीं करेगा, तो सिलीफाई करेगा तो वन डाल के देखो, वन इंटू एल आ जाएगा यहाँ पे, वन इंटू एल प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस फोर, यानी कि एम इंटू कितना आ जाएगा माइनस फोर प्लस क्या आ जाएगा जेड इंटू सॉरी एन इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया एल माइनस फोर एम माइनस टू एन डेट इज इक्वल टू जीरो। ये भी पॉइंट तो इसी के अंदर होगा, ये भी क्या करेगा इसको सॉलिफाई करेगा, अगेन जो पॉइंट है माइनस वन टू एंड थ्री ऑल्सो सॉलिफाई करेगा, ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ओके, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा इक्वेशन को, अगर सेटिस्फाई करा तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस एल आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस टू एम आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा थ्री एन डेट इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या करो सॉल्व करो, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट, ठीक है सॉल्व करके जो हमको मिलता है वो देखते हैं कहाँ मिल रहा है, ठीक है इसको हम क्या कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं अभी, फिर बाद में लिखेंगे ठीक। तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये वाला मालूम होगा तुमको ओके, ये वाला हमको अच्छा लगता है, ये वाला इसीलिए फॉलो करते हैं ठीक है, ये एन आ गया ठीक है, एल है एल वाले को छोड़ दो, इस दोनों में एल वाले को छोड़ देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस फोर आ गया, इधर माइनस फोर, इधर कितना आ जाएगा इसका टू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा ठीक है ना, ये वाला से माइनस से स्टार्ट करते हैं ठीक है, माइनस से स्टार्ट करते हैं, एम वाले को छोड़ दो, यहाँ पे वन माइनस वन वन एंड माइनस वन, यहाँ पे एम वाले को छोड़ देना है एन, यानी कि टू एंड माइनस थ्री सॉरी माइनस टू एंड थ्री माइनस टू एंड थ्री माइनस टू एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे थ्री आ जाएगा। अब एन एन वाला है तो एन वाले को छोड़ करके लिखेंगे वन माइनस वन ओके, उसके बाद क्या माइनस फोर एंड टू माइनस फोर एंड टू ओके, यहाँ से अगर देखते हैं क्या आता है, यहाँ से देखो चार दिया बारह, बारह प्लस चार माइनस बारह प्लस चार कितना आ जाएगा माइनस एट आएगा, माइनस एट आ गया यहाँ पे एम क्या है एम कितना आ जाएगा थ्री, कितना आ जाएगा थ्री प्लस टू, थ्री माइनस टू कितना आ जाएगा माइनस थ्री माइनस टू कितना आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे एन कितना आ जाएगा टू माइनस फोर कितना आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा। अब क्या करो माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा ये प्लस आ जाएगा, ये पूरा में प्लस आ जाएगा, यानी कि एल का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास एट वन एंड टू निकल गया। तो क्या कर सकते हैं अब, अगर एल का एल एम एन कितना आ गया एट वन एंड टू आ गया, यहाँ से आ गया, अब इक्वेशन में यहाँ से पुट करो तो हमारा इक्वेशन ठीक है ना, यानी कि प्लेन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको कितना मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना मिल जाएगा यहाँ पर एट एक्स मिल गया प्लस कितना आ जाएगा वन वाई प्लस क्या आ जाएगा टू कितना आ जाएगा जेड डेट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हम फाइंड कर लिए, एल एम एन हमको मिल चुका है। अब क्या करना है, बोल रहा है ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ए एंड बी का, जो लाइन ज्वाइनिंग है वो क्या करता है, जो प्लेन जो होता है वो किसवे के रेशियो में काटता है के एच टू वन के रेशियो में, इसको क्या करता है डिवाइड करता है यानी काट देता है, यानी कि यहाँ पे कोई लाइन है ए बी ठीक है ना, कोई लाइन है ए बी ओके, जो कोई पॉइंट है पी जो क्या है प्लेन है, जो प्लेन है प्लेन कहाँ पे है, यानी कि ये पॉइंट पी कहाँ पे है प्लेन पे है, वो किसके रेशियो में काटता है के एच टू वन के रेशियो में काटता है। डिवीजन फॉर्मूला तुमको मालूम होगा, डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ए है यहाँ पे एक्स वन है, ये उसके लिए होता है फिर ये इसके लिए होता है, डिवीजन फॉर्मूला मालूम है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डिवीजन फॉर्मूला लगाने वाले हैं। डिवीजन फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम लगाते हैं फ्रॉम डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है फ्रॉम डिवीजन अगर फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो पहले लाइन ए बी है ओके, यहाँ पे ए है ऊपर नीचे कर दे रहा है, ए कितना है माइनस थ्री माइनस सिक्स एंड वन, यहाँ पे कोई लाइन है ए, ये वाला कौन सा लाइन है बी है, बी क्या हो जाएगा टू फोर माइनस थ्री टू फोर माइनस थ्री। डिवीजन फॉर्मूला क्या बोल रहा था कि अगर कोई भी लाइन अगर के एच टू ए की तरफ से ओके
केस टू वन में अगर डिवाइड करता है कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो उसका अगर हम कोऑर्डिनेट का अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं मालूम है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट अगर एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे पी मान लो ये पी है, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ क्या कौन सा पॉइंट पी, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालने वाले हैं, यहाँ पे एक्स एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के जो किसके साथ गुना होगा, टू के साथ गुना होगा, टू के उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस थ्री, उसके बाद एक्स का हो गया ये वाला अपॉन कितना आ जाएगा के प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा टू के माइनस थ्री एक्स वाला आ गया यहाँ पर, सिमिलरली वाई वाला भी आ जाएगा, वाई वाला क्या आ जाएगा, ये वाला के किसके साथ आएगा फोर के प्लस फोर क्या आ गया यहाँ पे, अब माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस सिक्स, वन से करेंगे इसको सिक्स आ जाएगा बट्टा क्या आ जाएगा फोर के प्लस वन, अगर हम यही जेड के साथ करेंगे तो सिमिलरली यही आएगा माइनस थ्री के उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस वन अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर के प्लस वन, ओके, ये एक्स वाई जेड ये वाला प्लेन में, कौन से प्लेन में है एक्स वाई जेड प्लेन, ये वाला प्लेन में क्या करता है लाइस करता है, क्योंकि प्लेन ही काट रहा है तो ये पॉइंट होगा कहाँ पे रहेगा, प्लेन के ऊपर रहेगा ना, और मान लो कि तुमको कोई काट रहा है तो तुम्हारा सर किसके बीच में रहेगा, तलवार के बीच में रहेगा ना, इसी तरह इसको काट रहा है तो किससे काट रहा है प्लेन से काट रहा है, तो प्लेन जो पॉइंट यहाँ से कटा, ठीक है ना, वो पॉइंट कहाँ रहेगा प्लेन में रहेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है एक्स वाई जेड ये उसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा सेटिस्फाई, इतना मालूम है, चलो इसको मिटाते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो पहले इक्वेशन आप प्लेन लिख लो, एट एक्स है प्लस वाई है प्लस कितना है टू जेड डेट इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स वाई जेड इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं हम लोग, यानी कि एट है टू आ जाएगा यहाँ पर के आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन कितना आ जाएगा के प्लस वन आ जाएगा, ओके, प्लस वाई है तो वाई आ जाएगा कितना फोर के माइनस सिक्स अपॉन के प्लस वन, ओके, यहाँ पे प्लस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस थ्री के प्लस वन अपॉन के प्लस वन डेट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखो ये वाला सबके साथ सेम है, इसको हटा करके सीधा क्या करो जीरो की तरफ भेज दो, तो ऊपर कितना बच जाएगा यहाँ पे सिक्सटीन के बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा ट्वेंटी फोर, यहाँ पे कितना बचेगा फोर के माइनस सिक्स, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस सिक्स के प्लस टू डेट इज इक्वल टू जीरो, अब के वाले को जोड़ दो सिक्सटीन है यहाँ पे कितना आ जाएगा सिक्सटीन एंड सिक्स यहाँ पे कितना बचेगा माइनस टू, यानी कि माइनस फोर्टीन बच जाएगा, सॉरी फोर्टीन बच जाएगा यहाँ पर सीधा फोर्टीन के यहाँ पे बच गया, यहाँ पे कितना आएगा माइनस ट्वेंटी फोर सिक्स थर्टी, थर्टी प्लस टू कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी एट डेट इज इक्वल टू जीरो, यानी के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास टू, के का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये वाला तुम्हारा आंसर आ गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, देखो इसका फाइंड करना है, इतना और का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका वैल्यू मालूम कितना आंसर आने वाला है, इसका आंसर ये बस आने वाला है, ये पूरा जीरो आने वाला है, ठीक है, लेकिन हमको तो मालूम रहता नहीं है, वहाँ पे ऐसे ही इतना पैनिक में रहते हैं कि बस टाइम निकलता जा रहा है, फटाफट क्वेश्चन करना होता है, ठीक, यहाँ पे देखो पहले क्या दे रखा है, तुमको एक प्लेन दे रखा है जो कौन सा किसके द्वारा पास करता है, ए एंड बी एंड सी, यानी तीन जो पॉइंट दे रखा है उससे पास करता है, ठीक है ना, और क्या करता है उसका कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कौन सा है आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक्स वाई जेड है, हर प्लेन का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है, फिर वो सम पॉइंट से पास करता है, तो फिर उसका हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या रहता है आर्बिट्रेरी पॉइंट रहता है, वही एक्स वाई जहाँ पे जेड दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये तो दिख रहा है इंटरसेप्ट दे रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक है ना, चलो सॉल्यूशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर कितना आने वाला है तीन आंसर आने वाला है, ठीक, क्योंकि इतना का जो कैलकुलेशन है इसको कैलकुलेशन करते करते अगर थोड़ा ट्रिक अगर नहीं लगाया जाए इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा भाई, तो पूरा जो है ना जितना टाइम तुमको मिला है जेई में पूरा इसमें झोंक करके आ जाओगे, तो अभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है, चलो सॉल्यूशन पे आते हैं, कैसे इसके अंदर ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये तुमको इंटरसेप्ट फॉर्म दे रह सकता है, देखो लेट पहले ए पॉइंट कितना दे रखा है फोर्टी टू जीरो कॉमा जीरो, एंड बी देख लो जीरो फोर्टी टू कॉमा जीरो, एंड सी देख लो कितना दे रखा है जीरो कॉमा जीरो एंड कॉमा फोर्टी टू, ठीक है 42 दे रखा है, इतना इंटरसेप्ट दिख रहा है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है रुकाव बाधा, ठीक है ना,
ये वाला y का इंटरसेप्ट मान लो ये x आ जाएगा, तो x का इंटरसेप्ट ये है, ये इंटरसेप्ट ये ना होता है अगर मान लो कि ये अगर 2d में रहता, 2d में रहता तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, पता है। लेकिन ये 3d में, तो 3d जो इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म अगर दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म को तो मालूम है ना, x / a + y / b + z / z = 1। इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन मालूम है, कैसे हम लोग लिखते हैं ना, सीधा यहां पे पहले लिख देंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स अपॉन कितना a, a कितना है 42 है, प्लस y अपॉन 42 प्लस z अपॉन 42, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यानी कि बेसिकली ये क्या दे रखा है, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। यहां तक तो आ गए हम लोग, सॉरी कितना आ गया 42 दे रखा है, x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 42, कहीं 42 एलसीएम लेंगे तो उधर चला जाएगा, यानी बेसिकली क्या दे रखा है, x प्लस y प्लस z प्लस इज इक्वल टू क्या दे रखा है 42 दे रखा है। सबसे पहले यहां पर नजर डालो, पहले ये तीनों नंबर इसको जोड़ो तो पहले इसको जोड़ो तो कितना आता है, 11 दे रखा है, 12 दे रखा है एंड 19 दे रखा है, 9 टू 11 1 2 12 1 1 3 एंड 4, तो 42 आ रहा है। हम एक काम करते हैं, 42 को ये तीनों नंबर में तोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये तीनों नंबर में तोड़ करके ये ऐसे करके ब्रैकेट ब्रेसेस डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो यहां से हमको यूज आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे यही ट्रिक है, यहाँ पे जब भी हम भी देखे थे तो हम भी बहुत देर लगा इसे समझने में, ठीक है, उसके बाद फिर जब समझ में आया तो फिर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई जेड जो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो 42 इधर लगे आए गए, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 11 माइनस 12 माइनस 19 लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके, बचपन में पढ़ाया जाता है कि 4 को एक्सपेंड करके लिखो, तो क्या लिखते थे, 1 प्लस 3, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 प्लस 1, है कि नहीं, 2 प्लस 2, ऐसे करके क्या करते थे हम लोग, एक्सपेंड फॉर्म में लिखते थे, भाई एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, प्लस था तो इधर आगे माइनस हो गया। अब इसको क्या करो, इसको ब्रैकेट में डाल दो, x प्लस 1 प्लस है तो प्लस, y माइनस 19 है तो 19 प्लस, z माइनस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको फॉर्मूला में ये वाला दिया हुआ है, अगर ये वाला दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग इसलिए 11 को x के साथ रखे हैं, ठीक है, y को किसके साथ रखें, 19 के साथ रखें, और z को किसके साथ रखें, 12 के साथ रखें। अब इसको क्या करो कि इसको a मान लो, ठीक है, इसको क्या मान लो, b मान लो, इसको क्या करो, c मान लो, क्या करो, c मान लो, तो तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तुमको दिख रहा है a प्लस b प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस d इज इक्वल टू प्लस c रहता है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू डेट इज इक्वल टू 3abc, ठीक है, नहीं आता है तो इसको करके देखो घर पे, इसे हम लोग सिखाने वाले नहीं है। चलो अब एक्सप्रेशन पे आते हैं, क्या आते हैं, अब एक्सप्रेशन पे आते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेशन पहले क्या दे रखा है उसको पहले लिख देते हैं, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 3 जहाँ आप x माइनस 1 है वहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, a पुट कर सकते हैं, a जहाँ यहाँ पे y माइनस 19 है क्या पढ़ सकते हैं, b है तो b स्क्वायर यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, c स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे पुट कर दे सब में, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे c है तो a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z की जगह कितना पढ़ सकते हैं, 42 पढ़ सकते हैं, 42 बट्टा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, ये 14 अपने में है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, x माइनस ए क्या था, a था, ये क्या था, b था, ये क्या था, c था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी। अब क्या करो, a स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे a क्यों आ जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे b क्यों आ जाएगा, यहाँ पे c स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे c क्यों आ जाएगा, यहाँ पे a b c से अगर भाग कर दें तो a b c आ जाएगा। ये कितने टाइम में कटा है, 3 टाइम में कटा है। यहाँ पे क्यों किए हैं ऐसा, क्योंकि हमको बेस में सेम चाहिए था ताकि हमको कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो। अगर बेस में सेम आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी क्यू माइनस 3 ए बी सी अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी दैट इज इक्वल टू बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमको मालूम है जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो रहता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
क्या हो जाता है, थ्री एबीसी रहता है, थ्री एबीसी रहता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थ्री एबीसी लिख सकते हैं। अगर थ्री एबीसी अगर हम इसको लिख दिए, थ्री एबीसी बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तुमको दिख रहा है ये वाला जीरो आ गया, इसे ये कट गया। जीरो अपॉन समथिंग क्या आता है, जीरो आता है, थ्री प्लस जीरो, अगर थ्री में जीरो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक लाइन दे रखा है, ठीक है, लाइन में क्या है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक पॉइंट है कोई भी पॉइंट मान लो, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इतना दे रखा है, किसके लाइन के रिस्पेक्ट में, यू वाला लाइन के रिस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो लाइन है और ये लाइन है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का क्या होगा। पहले ये देखो, पहले जो दे रखा है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है ना। पहले पॉइंट दे रखा है लेट, मान लो एक पॉइंट कितना दे रखा है, फोर है, थ्री है एंड एट है। दूसरा पॉइंट कितना दे रखा है, यानी कि ये वाला, उसके बाद क्या है लाइन एल वन और ये परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट कितना दे रखा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट मान लेते हैं बी कितना दे रखा है, थ्री फाइव एंड सेवन दे रखा है। अब देखो एल वन दे रखा है, लाइन एल वन, एल वन कितना दे रखा है ये देखो, एक्स माइनस ए देखो पहला अननोन, दूसरा एल अननोन, ठीक है, वाई माइनस टू अपॉन थ्री प्लस जेड माइनस बी अपॉन फोर, यानी एक दो तीन अननोन है हमारे पास। अगर ये वाला अननोन नहीं रहता तो सीधा सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके हम लोग सीधा निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर अननोन को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अननोन को फाइंड करने के लिए क्या करें, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये वाला कोई लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होता है, ये वाला लाइन है, ये वाला कोई पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट जो है फ्रॉम पॉइंट, ये वाला लाइन यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला है, थ्री फाइव सेवन जो है ये वाला लाइन पे है, यानी थ्री फाइव सेवन किसके ऊपर लाई करता है, इसके ऊपर लाई करता है, इसके ऊपर अगर लाई करेगा तो ये वाला क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, कहेगा सेटिस्फाई, चलो वो वाला कंडीशन अभी लगा दे रहे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस पॉइंट बी लाइज ऑन लाइन L1, कौन सा लाइन पे लाइन करें, सो इसीलिए क्या होगा, x जहाँ यहाँ पे होगा वहाँ पे क्या आएगा, x की जगह कितना आ जाएगा, थ्री माइनस ए अपॉन एल दैट इज इक्वल टू फाइव माइनस टू अपॉन थ्री दैट इज इक्वल टू सेवन माइनस बी अपॉन फोर। अब क्या करो, ये दोनों को एक मरतबा सॉल्व कर देते हैं और ये वाला दोनों को एक मरतबा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अगर ये वाला दोनों को पकड़ते हैं दो कितना आएगा, ये वाला दोनों को पकड़ें तो क्या आएगा, नाइन में से थ्री जाएगा तो कितना, सॉरी थ्री माइनस ए बचेगा, ये नाइन ए है, थ्री माइनस ए बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एल, यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव माइनस टू थ्री आ जाएगा, यानी कि वन आ जाएगा, वन अपॉन वन, यानी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, एल इज इक्वल टू थ्री माइनस ए, इसको पहले ये कर लेते हैं। अब क्या करो कि ये दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, थ्री यहाँ पे वन अपॉन वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेवन माइनस क्या आ जाएगा बी अपॉन फोर, यानी कि जो बी आ जाएगा तो कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा, यहाँ से बी आ गया थ्री, आ गया थ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट का लाइन बनेगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये ए है ये बी है, ये दोनों लाइन जो बनेगा इसका डायरेक्शन रेशियो, ये वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का जो ये होगा क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो ये वाला लाइन का, ठीक है ना, ये जो लाइन बनेगा ये इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों परपेंडिकुलर है, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है, वो वाला कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग कितना, लाइन ए बी का, ए बी का डायरेक्शन रेशियो अगर हम बात करते तो कितना आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो, फोर, फोर माइनस थ्री कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, कॉमा थ्री माइनस फाइव कितना आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा, एट माइनस सेवन कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, और लाइन अगर एलेवन की बात करते हैं, लाइन एलेवन, एलेवन की अगर बात करते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, एलेवन की अगर बात करें डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा, एल थ्री एंड फोर, एल थ्री एंड फोर, ओके। और हम जानते हैं कि जब दोनों परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है, तो वी नो क्या होगा, एल इंटू वन प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस फोर इंटू वन डेट इज इक्वल टू जीरो, तो एल आ जाएगा यहाँ पे माइनस सिक्स आ जाएगा प्लस फोर आ जाएगा डेट इज इक्वल टू जीरो, यानी एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर टू आ जाएगा, अगर एल इज इक्वल टू टू आ गया तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू अगर टू आया तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे तुमको मिल चुका है, ए मिल गया, एल मिल गया, बी मिल गया,
ओके एल टू मिला, ए वन मिला, बी थ्री मिला, ठीक। अब यहाँ पे हमको मिल चुका है, ठीक है ना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब एच डी का फॉर्मूला क्या आता है, एच डी का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है कि कोई भी लाइन ए टू माइनस ए वन होता है उसको डॉट करा दो बी वन क्रॉस बी टू से, क्या करा दो बी वन क्रॉस बी टू से, और उसका क्या करो बी वन क्रॉस बी टू का क्या करना है, बी वन क्रॉस बी टू का मॉड लिख करके क्या कर देना है, क्या कर देना है बी वन क्रॉस बी टू का मॉड लिख करके उसको भाग कर देना है, सिंपली है, सिंपली वैसे ही चलो करते हैं। ए टू माइनस ए वन, यहाँ पे ए टू माइनस ए वन काम कौन करेगा, ठीक है ना। सबसे पहले लाइन, दो लाइन पहले, दो लाइन यहाँ पर पहले लिखना है, पहले लाइन एल वन क्या आ जाएगा, एल वन है, एल वन कितना है हमारे पास एक्स माइनस ए कितना आया था वन आया था, अपॉन एल कितना आया था हमारा टू आया था, प्लस वाई माइनस टू अपॉन थ्री प्लस क्या आ जाएगा जेड माइनस कितना आ गया था जेड बी थ्री अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर फोर, ये एल वन हो गया। अगर एल टू की बात करते हैं, एल टू कितना यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे देखो एक्स माइनस टू अपॉन थ्री आ जाएगा प्लस सॉरी इक्वल टू वाई माइनस फोर अपॉन फोर एंड जेड माइनस फाइव अपॉन फाइव दे रखा है, दोनों दे रखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ए टू माइनस ए वन, यहाँ इसको ये हो जाता है ए टू, ये हो जाता है ए, ठीक है ना। पहले ए वन लिख देते हैं, ए वन कितना आ गया हमारे पास वन आ गया, टू आ गया एंड थ्री आ गया, और ए टू कितना आ गया हमारे पास टू आ गया, फोर आ गया एंड फाइव आ गया। और उसके बाद अगर हम बी वन की बात करते हैं तो बी वन कितना है ये वाला, बी वन कहाँ गया, बी वन ये वाला टू थ्री एंड फोर, टू थ्री एंड फोर, एंड बी टू की अगर हम बात करते हैं तो कितना है थ्री फोर एंड फाइव। अब क्या बोला था कि ए टू माइनस ए वन करो, उसके बाद क्या करो डॉट, यानी कि इसका पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर तुमको मालूम होगा आई हो गया प्लस टू जे प्लस थ्री के शॉर्टकट में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों का डॉट, ये दोनों का माइनस करके इसको क्या करना है इसके साथ डॉट कर देना बी वन प्लस बी टू के साथ। अगर ए टू माइनस ए वन निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन तो क्या आ जाएगा टू माइनस वन क्या आ जाएगा वन, ठीक है, कॉमा फोर माइनस टू टू, फाइव माइनस थ्री टू, ओके। उसके बाद अगर बी वन क्रॉस बी टू निकाल दें, बी वन क्रॉस बी टू, तो बी वन क्रॉस बी टू कैसे निकालते हैं, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा। बी वन कितना है टू है थ्री है एंड फोर है, यहाँ पे कितना है थ्री है फोर है एंड फाइव है, बी वन क्रॉस बी टू, तो बी वन क्रॉस बी टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी वन क्रॉस बी टू आई आ जाएगा यहाँ पर फाइव थ्री जो फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन, उसके बाद माइनस जे आ जाएगा यहाँ पर, अभी कितना है फाइव टू जो टेन माइनस ट्वेल्व प्लस के आ जाएगा यहाँ पर, के आ जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फोर टू जो एट माइनस नाइन, यानी कितना आ गया बी वन क्रॉस बी टू, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया माइनस आई आ गया माइनस माइनस प्लस टू जे उसके बाद माइनस के, ये आ गया बी वन क्रॉस बी टू। और ए टू माइनस ए वन का अगर पोजिशन वेक्टर लिखते हैं तो आई प्लस टू के उसके पहले प्लस टू जे, ओके, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे टू के आ जाएगा, ओके। अब हमको क्या चाहिए, इसका मॉड चाहिए, बी वन क्रॉस बी टू आ गया, अगर हम बी वन क्रॉस बी टू का अगर हम मॉड लिखते हैं तो मॉड क्या आ जाता है अंडर रूट वन प्लस फोर प्लस वन, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर सिक्स आ जाएगा। अगर हम ए टू माइनस ए ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अगर हम बनाते हैं, ए टू माइनस ए वन कितना आया था आई आया था प्लस टू जे आया था प्लस टू के आया था, ठीक है, डॉट क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस आई प्लस टू जे माइनस के, देखो कितना आई से आई करेंगे तो माइनस वन प्लस फोर, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस टू, तब टू एंड वन थ्री, थ्री में से फोर गया तो वन, यानी कि वन बच गया, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्टली अगर इस फॉर्मूला के अंदर डाल दें, ठीक है ना, किसके फॉर्मूला के अंदर, इसको पहले मिटा दे रहे हैं हम, देखो इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम सीधा डाल दें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अगर इस फॉर्मूला में डालें ए टू माइनस ए वन डॉट इतना, इसकी जगह कितना डाल सकते हैं वन डाल सकते हैं, आ सकता है बी वन प्लस बी टू कितना आया है रूट सिक्स आ गया है, यही वाला तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको मिटा दो, ठीक, चलो बता।